दोस्तों YouTube इस महीने यानी कि जनवरी 2023 में बहुत सारे बड़े बड़े शॉर्ट्स के चैनल जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन 6 मिलियन 11 मिलियन सब्सक्राइबर थे वो सारे चैनल्स डिलीट कर रहा है। और आपको पता होगा कि भी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा शॉर्ट्स का चैनल जिनका की नाम था RJ फैक्ट बॉय जिनके 11 मिलियन सब्सक्राइबर यानी कि 1 करोड़ 10 लाख सब्सक्राइबर थे वो चैनल भी यूट्यूब ने रातों रात डिलीट कर दिया। तो सबके मन में ये बहुत बड़ी दहशत फैली हुई है, सबके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है जो कि वीडियो बना बनाकर आपको दिया जा रहा है कि भैया मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया है जनवरी 2023 से, इसलिए YouTube नहीं चाहता है बहुत सारे शॉर्ट चैनल को मोनेटाइज करना, इसलिए वो शॉर्ट चैनल को डिलीट कर रहा है। पहली तो अफवाह ये है। दूसरी ये है कि अगर आप कॉपी पेस्ट करके वीडियो बनाते हैं तो YouTube इसलिए डिलीट कर रहा है क्योंकि आप दूसरे का वीडियो लेकर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तीसरी अफवाह यह है कि भैया अगर आप वॉइस ओवर करके वीडियो बना रहे हैं, उसमें आवाज डालकर वीडियो बना रहे हैं किसी का वीडियो लेकर, तो इसलिए वो डिलीट कर रहा है। चौथी अफवाह यह है कि आप फेसबुक इन सबसे वीडियो लेकर उसमें वॉइस ओवर कर रहे हैं, स्टोरी टाइप का वीडियो बना रहे हैं उसमें वॉइस ओवर करके, तो इसलिए डिलीट कर रहा है। बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं जिस वजह से कोई भी क्रिएटर सही से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके मन में यह डर आ गया है कि भैया जब इतने बड़े बड़े चैनल जो कि कॉपी पेस्ट करते थे वॉइस ओवर करके वीडियो बनाते थे उनके चैनल डिलीट हो गए हैं, तो अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरे चैनल क्या ही चलेंगे, चलेंगे तो ऐसे डिलीट हो जाएंगे और चैनल भी नहीं मोनेटाइज होगा। और सबसे बड़ी बात, जिनका चैनल डिलीट हुआ 11 मिलियन वाले वो खुद बोल रहे हैं कि मैं कॉपी पेस्ट करता था, दूसरे के वीडियो में वॉइस ओवर करता था, इसलिए मेरा चैनल डिलीट हो गया। लेकिन आखिर असली वजह क्या है, क्यों डिलीट हुए ये जो चैनल्स डिलीट हुए वो किस लिए हुए, आज के वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ और एकदम बिल्कुल सटीक जो सही जानकारी है वो मैं आपको दूंगा, जिससे आपके मन में जो ये अफवाह की वजह से डर बैठा हुआ है वो निकलकर एक साइड हो जाए और आप सही तरीके से काम कर पाए। क्योंकि भैया ये क्लियर होना जरूरी है कि आखिर क्या वजह है जो डिलीट हो रहे हैं। जब वजह आपका कंफर्म हो जाएगा तो आप वो काम ना करके, जो वजह है वो ना करके आप सही काम करके जब काम करेंगे तो ना आपका चैनल डिलीट होगा, चैनल भी मोनेटाइज होगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो भैया वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रूफ के साथ सारी बातें करूंगा क्योंकि यार मैं जानता हूं आपके मन में बहुत बड़ा डर बैठ चुका है और जब तक डर रहेगा ना आप सही से काम कर पाएंगे और जब सही से काम नहीं करेंगे तो ना चैनल ग्रो कर पाएंगे, ना चैनल मोनेटाइज कर पाएंगे और ना यूट्यूब से पैसे कमा पाएंगे। तो आखिर क्या वजह है जो यूट्यूब इतने बड़े बड़े शॉर्ट चैनल को रातों रात डिलीट कर दे रहा है, सारी वजह आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और यह वीडियो इसलिए पूरा किएगा जिससे आपके मन में जो डर बैठा हुआ है 50 जगह से वीडियो देखकर, 50 लोगों की अलग अलग बातें सुनकर जो आप घबरा गए हैं कि भैया मैं कॉपी पेस्ट का वीडियो मेरा डिलीट, कॉपी पेस्ट वाला चैनल मेरा डिलीट हो जाएगा, मैं वॉइस ओवर करता हूं तो चैनल डिलीट हो जाएगा, ये सारे डर आपके हट जाए यार, क्योंकि ये सारे अफवाह है। मैं आपको अभी बता देता हूं असली क्या वजह है जिस वजह से शॉर्ट चैनल डिलीट हो रहे हैं, वो आज के वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको। बस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग ये वीडियो पूरा देखकर पहले कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, इसके बाद कैसे चैनल पर ग्रो करना है उसके लिए तो मैं वीडियो लेकर आता ही रहता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ वजह मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूं कि क्यों इतने बड़े बड़े चैनल यूट्यूब डिलीट कर रहा है, उसके पीछे की क्या वजह है। तो दोस्तों आपके मन में बहुत सारा डर इस समय बैठ चुका है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको वीडियो बनाकर अलग अलग बातें बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए डिलीट हो रहा है, कोई बोल रहा है वॉइस ओवर कर रहे हैं तो डिलीट हो रहा है, कोई बोल रहा है फेसबुक वगैरह से वीडियो लेकर उसमें वॉइस डाल दे रहे हैं तो डिलीट हो रहा है। तो भैया आखिर असली वजह क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका चैनल डिलीट हुआ है उन्होंने खुद बोला है कि मैं दूसरे के वीडियो में वॉइस ओवर करता था इसलिए यूट्यूब ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया है। और वो भाई साहब मेल भी दिखाते हैं यूट्यूब का जिसमें डिलीट करने का आया हुआ है मेल YouTube के थ्रू, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि असली वजह क्या है। अब उनकी भी गलती नहीं है, नए YouTube पर है, उतना नहीं समझ पा रहे हैं क्या पॉलिसी है क्या सिस्टम है। तो मैं आपको उन्हीं का मेल दिखाकर बताऊंगा कि आखिर किस वजह से उनका चैनल डिलीट हुआ, क्यों आखिर वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। उनकी गलती नहीं है, पता ही नहीं है तो आपको बता दिए। अब उस वजह से आप डर में बैठे हुए हैं कि भैया मेरा भी चैनल डिलीट हो जाएगा, उसने बोला कि इसमें वॉइस ओवर किया था तो मेरा डिलीट हो गया, मेरा भी हो जाएगा, तो ये सब डरने की बात नहीं है। तो मैं आपको यहां पर दिखा दूं, आप देख सकते हैं उन्हीं का ये मेल है। हाय RJ फैक्ट बॉय, जो कि उनका चैनल है, 11 मिलियन उनके सब्सक्राइबर थे। यहां पर यूट्यूब का मेल आया है, क्या लिखा गया है जिस वजह से उनका चैनल डिलीट हुआ है। वी हैव रिव्यू योर कॉन्टेंट एंड फाउंड सेवर आर रिपीटेड वायलेंस ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, बिकॉज ऑफ दिस वी हैव रिमूव्ड योर चैनल। इसी 4-5 लाइन में उसका सारा मतलब है।
अब वो भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं दूसरे का फेसबुक से वीडियो लेता था, उसमें वॉइस ओवर करता था, इसलिए मेरे चैनल डिलीट कर दिए गए, मतलब मेरा चैनल डिलीट कर दिया यूट्यूब ने। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी का वीडियो लेकर वॉइस ओवर करते हैं तो चैनल डिलीट यूट्यूब इस पर नहीं करेगा। इस पर अगर सामने वाला आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, लगातार 3 कॉपीराइट स्ट्राइक लास्ट 90 डेज में दे दिया, तब चैनल डिलीट होता है। और अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक से डिलीट हुआ होता तो यहां पर लिखा गया होता कि मतलब कि आपको सेवरल कॉपीराइट स्ट्राइक मिले हैं, जिस वजह से मैं आपका चैनल टर्मिनेट कर रहा हूं, ये आता आपको मेल, ना कि ये आता कि सेवर आर रिपीटेड वायलेंस ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। इसका मतलब है कि आपने अपने वीडियो में कुछ ऐसा कंटेंट बनाया है जो यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ था, ना कि इसलिए उन्होंने डिलीट किया कि आपने फेसबुक से वीडियो लेकर उसमें वॉइस ओवर करके अपना चैनल खड़ा किया, ये वजह नहीं है। अब वो भाई साहब आपको ये बता रहे हैं, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, कितना उनको पता होगा, भी नए हैं, हाल फिलहाल में यूट्यूब पर आए हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़िए। मैं आपको यहां पर वजह बताता हूं, असली वजह क्या है, जिससे आप लोग डर में ना रहे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि यार उनकी बातें सुनकर आप डर में आ गए होंगे, मैं भी गया, मेरा भी काम करना बेकार है। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आखिर आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेंस हुआ जिस वजह से उनका चैनल डिलीट हुआ। तो भाई इस टाइप का जो वीडियो बनाते हैं उसमें दो ऐसी वजह है जिस वजह से चैनल डिलीट हो गया उनका। अब इसमें दोनों में से कोई भी एक वजह हो सकती है, तो वो दो वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली वजह है, इस टाइम सभी लोग वन विन ऐप का प्रमोशन दबा दबा कर रहे हैं, सभी लोग शॉर्ट्स वाले सभी लोग कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जाकर जब उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, लोगो लगा देते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे उस ऐप का लिंक, और वो जो ऐप है आप उस ऐप पर जाकर देखेंगे तो वो एक बेटिंग ऐप है, और YouTube साफ बोलता है कि हम किसी भी बेटिंग ऐप का प्रमोशन अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं करने देंगे, ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, चाहे वन विन हो गया, रमी वगैरह हो गया, ये सारे कुछ तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब आपने उनका लोगो लगा दिया, उनका लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपने पिन कर दिया, और एक एक वीडियो में करते नहीं है, 10 वीडियो, 20 वीडियो, 50 वीडियो, यानी लगभग सभी वीडियो पर वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से व्यूज आएंगे उस हिसाब से पैसे उनको मिलते हैं। तो इस वजह से अब स्टार्ट में ऐसा नहीं होता कि आपने एक कर दिया YouTube आपको कुछ कर देगा एक्शन, एक आध केस में हो जाता है, नहीं तो आप करते रहते हैं, जैसे ही YouTube के नजर में आएंगे तुरंत एक्शन लेगा। और हर एक शॉर्ट चैनल जो बड़े हैं, 40 वीडियो, 50 वीडियो, 60 वीडियो, सब में वन विन करके प्रमोशन किए हैं। अब YouTube की नजर में आया, उसको कितना चाहिए, सिर्फ 3 वीडियो चाहिए, क्योंकि 3 कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग, 3 कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक और 3 कॉपीराइट स्ट्राइक से आपका चैनल रिमूव कर दिया जाता है। आपका 40-50 वीडियो उसने देखा तो उसने देखा यार सब में इसमें वायलेंस किया गया है, क्योंकि आपने बेटिंग साइट का, बेटिंग ऐप का लिंक डालकर अपने फर्स्ट वीडियो में कॉमेंट में डाला हुआ है। तो भैया आपने मेरा जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है यूट्यूब का, उसका उल्लंघन किया है। तो 40-50 वीडियो का 40-50 कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक होता है, एक झटके में ही आपका चैनल डिलीट। पहली वजह यह है, क्योंकि इसने साफ बोला है कि रिपीटेड वायलेंस ऑफ और कम्युनिटी गाइडलाइंस, पहली वजह यह है जिस वजह से उनका चैनल डिलीट हुआ होगा। दूसरी एक वजह है, जो कि मिनिमम मैं बोल सकता हूं, दूसरी वजह यह है कि जैसे आप स्टोरी टाइप का वीडियो बनाते हैं तो उसमें बहुत जगह ऐसे स्टोरी आती है जहां एक्सीडेंट हो गया, जहां पर किसी को कोई मारा काटा जा रहा है, कोई ब्लड वगैरह दिख रहा है, वो सब चीजें आपको दिख जाती हैं। तो डालने का आपने डाल दिया, व्यूज भी दबा कर आ गया, कोई एक्शन नहीं लेता YouTube, लेकिन जब बहुत ज्यादा व्यूज आने लगते हैं एक बार ऐसे नजर में आएगा आपके खिलाफ एक्शन ले लेगा। क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, मेरा 1 मिलियन वाला जो चैनल था मिस्टर फैक्मो, मतलब था नहीं है भी भाई मिस्टर फैक्मो, उस पर क्या होता है कि मैंने एक ऐसे दिखाया था जिसमें एक बैल था, एक आदमी को थोड़ा दौड़ाया हुआ था, मारा वारा कुछ नहीं, सिर्फ दौड़ाया था। जब उस पर 10-20 हज़ार व्यूज आए थे कोई दिक्कत नहीं थी, जब उस पर 3-4 लाख व्यूज आ गए तो YouTube ने मुझे क्या किया, फर्स्ट बार वार्निंग देता है, तो मुझे वार्निंग स्ट्राइक दे दी कि भैया इसमें कुछ हार्मफुल दिखाया गया है जो कि हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस का बोलकर उन्होंने वो वीडियो रिमूव कर दिया, और मुझे फर्स्ट बार था तो इसलिए वार्निंग दे दिया, दूसरी बार स्ट्राइक दे देते। तो इस वजह से ये दो वजह है कि उन्होंने वीडियो में ऐसा दिखाया होगा, 2 वीडियो 4 वीडियो 6 वीडियो में ऐसे होगा, और आते 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 नजर में आ गया कि भैया इस वीडियो में ऐसे एक्सीडेंट का वीडियो है, ये है वो है। तो इस वजह से इनको इन दो वजहों से, अब जो इन दो वजहों में से कोई भी एक वजह हो सकती है, चाहे वन विन का प्रमोशन और चाहे ये वन विन या फिर और बहुत सारे ऐसे बेटिंग ऐप हैं और बहुत सारे फेक ऐप हैं जिनका आप जानते होंगे, क्या ही नाम लूं, वो सारे शॉर्ट्स वालों के पास बहुत सारे प्रमोशन आते हैं, तो वो होगा वजह जो कि सबसे बड़ी वजह है, जो मैक्सिमम वही वजह होगी ही। और दूसरा एक्सीडेंटल वीडियो ये सब दिखा दे होंगे जिसको आपने ब्लर नहीं किया होगा, उस वजह इन दो वजहों से जो कि 2-3 वीडियो 4 वीडियो में 6 वीडियो में देखा गया होगा। और बेटिंग वाला तो भैया तगड़े
तरह से होता है कि भैया 20 ठो ले लो, 40 ठो ले लो, 50 ठो ले लो, ऐसा प्रमोशन होता है वीडियो में। तो उन दो वजहों से उनका चैनल डिलीट हुआ होगा, और सिर्फ उन्हीं का नहीं, बहुत सारे शॉर्ट चैनल इसी वजह से डिलीट हुए होंगे। क्यों? क्योंकि बड़े चैनल को तुरंत मिलने लगता है प्रमोशन, अब उनको समझ में नहीं आता, उनको बस पैसा 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 दिखता है, बेटिंग है क्या नहीं है, उठा उठा कर प्रमोशन कर देंगे। और उसी वजह से, क्योंकि शॉर्ट्स वाले एक दो वीडियो का करते नहीं है, अब लॉन्ग वाले हैं, एक वीडियो का कर लिए, गड़बड़ वीडियो है तो डिलीट कर देंगे दो दिन बाद। अब शॉर्ट्स वाले एक साथ 10-10 वीडियो का, 20-20 वीडियो का प्रमोशन करते हैं, और जिस हिसाब से व्यूज आते हैं उस हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो वो डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। तो भैया उनका चलता रहता है, और जैसे उनके नजर में आएगा 10-20 वीडियो में एक साथ देखेगा यूट्यूब की भैया कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेंस है, हटाओ चैनल, डिलीट। इस वजह से चैनल डिलीट हो रहे हैं। मेन वजह यह है, ना कि कॉपीराइट आप किसी का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ना कि आप किसी का वीडियो लेकर इसमें वॉइस ओवर कर रहे हैं, इस वजह से चैनल नहीं डिलीट होते हैं। अगर इस वजह से होगा डिलीट, तो भैया जिनका कंटेंट है वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक जब देंगे, वो भी लगातार 3 स्ट्राइक देंगे, तब डिलीट होगा। और आपको जो मेल आएगा उसमें लिखा रहेगा कि आपको सेवरल कॉपीराइट स्ट्राइक आए हैं, इस वजह से मैं आपके चैनल को टर्मिनेट कर रहे हैं, ना कि यह आएगा कि हम कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से आपका चैनल टर्मिनेट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप फेसबुक वगैरह से वीडियो लेकर उसमें वॉइस ओवर करते हैं, 100% चैनल मोनेटाइज होंगे, इसकी गारंटी यार मैं देता हूं, 100% मोनेटाइज होंगे, 100% लिख कर रख लो मोनेटाइज होंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर से बात की, बहुत सारे क्रिएटर्स मेरे ऐसे टच में हैं जो ऐसे ही वीडियो डालकर उनका चैनल मोनेटाइज है, कोई तो 6-8 महीने पहले ही करवा कर बैठे हुए। जब मैं शॉर्ट्स बनाता था 1 साल पहले, वो मेरे साथ के थे, उनका चैनल मोनेटाइज है बढ़िया से, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से। भैया आप दूसरे का वीडियो लिए, दूसरे का वीडियो का मतलब है फेसबुक वगैरह से आपने लिया, उसमें आपने वॉइस ओवर किया और उसके बाद वीडियोस को डाल दिया, तो वो आपका कंटेंट हुआ, क्योंकि उसमें आपकी क्रिएटिविटी है, आपने वॉइस डाला हुआ है। अब आप किसी का, अब एक गलती अगर आप करेंगे कि किसी ने शॉर्ट्स वीडियो कोई बनाया है, कोई मतलब कि लॉन्ग वीडियो था, उसको कट करके शॉर्ट्स बनाया, उसमें उसने स्टोरी टाइप का वीडियो लिया, वॉइस ओवर करके डाल दिया, अब आपने क्या किया यार, कौन लॉन्ग वीडियो ले, उसको कट करे, उसमें स्टोरी बनाए, फिर इसके बाद वॉइस ओवर करे, इससे बढ़िया मैं वही वीडियो लेकर डाउनलोड कर लेता हूं, अपलोड मार देता हूं, या फिर वही वीडियो लेता हूं, डाउनलोड करता हूं और उसमें वॉइस ओवर कर देता हूं कि भैया ऐसे 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 ऐसे, और उसको अपलोड मार देता हूं। तो भैया उसमें आपकी क्रिएटिविटी नहीं, आपने सेम शॉर्ट्स वीडियो उठा लिया, सिर्फ वॉइस डाला है। आपको कोई लॉन्ग वीडियो को शॉर्ट्स फॉर्मेट में बनाना है, एडिट करके उसमें अपना स्टोरी टाइप का, एक्सपेरिमेंट टाइप का, जो भी करना है करिए, उसको बोलिए, इस हिसाब से वो आपका वीडियो हो जाएगा। अगर आपकी क्रिएटिविटी है किसी वीडियो में, तो आपका चैनल मोनेटाइज होता है, ये आप लिख कर रख लीजिए। जैसे कोई फ्री फायर खेल रहा है तो सिर्फ वॉइस ही डाल रहा है, नहीं होता है मोनेटाइज, सबका होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो चैनल डिलीट हो रहे हैं उसके पीछे की वजह ये नहीं है, बल्कि जो वजह थी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप आपको डर खत्म हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ के साथ, यूट्यूब के मेल के साथ सारा कुछ डिस्क्राइब किया है। तो कोई अगर आपके मन में अब भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक इस चैनल पर आप लोग नए और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो क्या करना है, नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया गया उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना है, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।